नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जा रहा हूँ सिमडेगा एलएल टेस्ट के लिए, यानी लर्निंग लाइसेंस। तो बने रहेगा मेरे साथ वीडियो में। मैं लेके जा रहा हूँ अपना अपाची 200 न्यू मॉडल। साथ में बताऊँगा आप लोगों को कौन सा बाइक लेके जाना चाहिए। देखता हूँ मैं अपना अपाची 200 से टेस्ट दे पाता हूँ या नहीं दे पाता हूँ। बने रहेगा वीडियो में, ताकि आप लोग भी देख के जानिएगा, सीखिएगा कि कौन सा बाइक से टेस्ट देना चाहिए। और ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, अभी बज रहे हैं 11। 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक था मेरा टाइम, ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। निकलता हूँ, और वैसे भी तेल नहीं है, तेल नहीं भरूंगा। पहले पहुँचना है, उसके बाद में टेस्ट देना है, उसके बाद में तेल भर के आऊँगा। तो चलिए बने रहे वीडियो में। अभी निकल गया हूँ जैसे चौक ये वाला। ये है करिया घाटी का जंगल, बहुत खतरनाक घाटी है, वाला में एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है। फिलहाल उतना नहीं होता है, क्योंकि अभी रोड बन चुका है बढ़िया, साफ सुथरा एकदम, पहले बहुत होता था। अभी मेन घाटी पहुँचने वाले हैं। एक्सपीरियंस नहीं है तो ये रास्ता में, नहीं तो एक्सीडेंट होना निश्चित है। यहाँ पर केदिया घाटी में पहुँचने वाला हूँ, खटांगर मंदिर इधर। लोकेशन पे जहाँ पे एलएल टेस्ट होता है, यह है जयप्रकाश उद्यान, और इधर आगे कोर्ट ग्राउंड है, वहीं पर एलएल टेस्ट लिया जाता है। कोर्ट ग्राउंड में देखता हूँ जाके, ऑफिस नहीं गया हूँ पहले, पहले आ रहा हूँ जहाँ पर लोकेशन है, जहाँ पर एलएल टेस्ट होता है। इधर जाना होगा, इधर गेट बंद दिख रहा है, उधर जाना पड़ेगा पश्चिम साइड से। देखता हूँ पश्चिम साइड से जा करके, उधर का गेट खुला होगा तो अंदर जाऊंगा। देखता हूँ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इसे। तेल भी ख़त्म हो चुका है। हाँ, आगे से लेफ्ट लेना है, ये वाला है, एक से लेफ्ट। ये रहा, पहुँच गए कोर्ट ग्राउंड। देखता हूँ आगे जाके पूछता हूँ, यहाँ पर बाइक तो बहुत खड़ी है, होगा कि नहीं होगा, कितना बजे होगा। यहाँ सब कुछ दूसरे काम से आए हुए हैं, अभी ऑफिस जाता हूँ, फिर पूछता हूँ आपसे कितना टाइम का होगा एलएल टेस्ट। चलिए ऑफिस लेके चलता हूँ। कचहरी मोड़ के बगल से होकर लेफ्ट में जाना पड़ेगा, इधर है आरटीओ ऑफिस। दिखाता हूँ आप लोगों को सिमडेगा का आरटीओ ऑफिस। फिर अंदर जाके पूछते हैं ऑफिस में हो रहा है या फिर होगा या नहीं होगा या फिर हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म वहां पर जमा कर दिया था, लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि एलएल टेस्ट ऑनलाइन भी दिया जा सकता है। तो मैं अपना घर आ गया हूँ एलएल टेस्ट देने के लिए। अभी मेरा लैपटॉप रखा हुआ है वहाँ पर, नेट कनेक्ट है। कैसे किस तरह से फॉर्म भरा जाता है और ऑनलाइन टेस्ट किया जाता है दिखाऊंगा आप लोगों को। चलिए कोई भी ब्राउज़र खोल लीजिए, मैं खोल रहा हूँ अपना क्रोम ब्राउज़र। आप खोल सकते हैं मोज़िला फायरफॉक्स, लेकिन मैं अभी खोल रहा हूँ
क्रोम ब्राउजर, सर्च करें parivahan.gov.in, सर्च कर लीजिए parivahan.gov.in। फर्स्ट वेबसाइट आएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे, नेट स्लो है मेरा। उसके बाद में स्क्रॉल डाउन करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस / लर्नर लाइसेंस, यहाँ पर क्लिक करेंगे मोर पे। उसके बाद में अपना स्टेट चूज़ करना पड़ेगा, सिलेक्ट स्टेट, मेरा झारखंड है। उसके बाद में आना पड़ेगा सबसे ऊपर में, टॉप में, यहाँ पर देख सकते हैं लर्नर लाइसेंस। उसके नीचे यहाँ पर मिलेगा आपको, ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, क्लिक करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर LL एप्लीकेशन नंबर लिखना पड़ेगा और डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड SMS के द्वारा मिल जाता है आप लोगों को, तो यहाँ पर फिल करेंगे, बाद में प्रोसीड करेंगे, फिर से प्रोसीड करेंगे। मेरा फोटो आ गया, मेरा नाम, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ेगा, किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी। अपना पिन इंटर करना पड़ेगा, उसके बाद में चेकबॉक्स में अपना क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद में कंटिन्यू। सॉरी गाइज, आज लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि OTP आया ही नहीं मेरा मोबाइल में। OTP आने से ही आगे प्रोसीड होता है, तो वही नहीं हो पाया, तो अगला शुक्रवार को देखता हूँ हो पाता है कि नहीं हो पाता है। उस दिन तो वहीं पर ऑफिस में जाना पड़ेगा, लगता है हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय।